हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं लवी के साथ आ गई हूँ लवी के कान चिढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ना चाहते हुए भी एक माँ को ना दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना पड़ता है, क्योंकि गर्ल्स के कान चिढ़ाना ज़रूरी होता है, आप सभी लोगों को पता है। और मैं ना लवी का दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी सबने मुझको बोला कि अब इसकी एज हो गई है, इसके कान छिदवाओ। इसी उम्र में हम कान छिदवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का जो ईयर के जो नीचे का हिस्सा होता है वो इस उम्र में काफ़ी नरम होता है। तो जब हम इस एज में कान छिदाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि दर्द कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है यार। बच्चों का तो थोड़ा सा दर्द भी उनके लिए तो दर्द ही होता है। सो अभी ये देखो, अंकल ने यहाँ पर निशान बनाए पेन से, कान जहाँ पर छेदने हैं वहाँ पर निशान बना दिए उन्होंने। और इसके बाद अब वो लवी की कान के अंदर डाल रहे हैं गोल्ड के ही। मैंने इसको डायरेक्ट पहना दिए थे, तो लवी को फर्स्ट वाले में ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं कि उसने आराम से पेन लिया था मतलब, और अंकल को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। सो लवी को पेन तो हुआ था, उससे ज़्यादा मुझे बहुत पेन हो रहा था। और लवी के पापा जो वीडियो बना रहे थे, उनको तो भाई आंखें बंद उन्होंने कर रखी थी, और वो आंखें बंद करके वीडियो बना रहे थे क्योंकि देख नहीं पा रहे थे वो। और आप देख सकते हैं लवी को, लवी को देख कर ना अंकल भी बड़े चौंक गए थे कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बहादुर है। क्योंकि इस उम्र में बच्चे जब कान छिदवाते हैं ना, तो वो ना बड़े रोने लगते हैं और हाथ भी लगवाने नहीं देते हैं। लेकिन लवी ने इतना नहीं किया, मेरी बेटी सच में बहुत बहादुर है। और आप देख सकते हैं कितने आराम से बैठकर उसने एक कान छिदवाया अपना। और अंकल जो ये कान छिदने वाले अंकल हैं, तो इनकी शॉप है जहाँ पर ये गोल्ड मतलब ये ज्वेलर हैं, तो ये ज्वेलरीज वगैरह भी देते हैं एंड छोटे बच्चों के इस तरीके के कान भी छेदने का काम करते हैं। सो मैं भी लवी के पास बैठी हूँ और उससे मैं कंटिन्यू बात कर रही थी, और एक फ़ोन पर उसके लवी के नानू का वीडियो कॉल भी चालू था, तो लवी उनसे भी बात कर रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और वो दोनों काम कर रही थी। सामने फ़ोन रखा हुआ था मैंने और वीडियो कॉल चालू किया हुआ था, ताकि उसको उसका ध्यान भटकता रहे, उसके नानू से वो बात करती रहे। तो जब सेकंड वाले में कान छेदा तो उसको बहुत दर्द हुआ था, सेकंड वाले में वो रोने लगी थी। और भाई उसको देखकर मेरी भी दिल की धड़कन है ना बड़ी जोरों जोरों से धड़क रही थी। उसके पापा ने तो आंखें बंद की हुई थी, और सेकंड वाले में उसको बहुत पेन हुआ था। और मैं अंकल से बोल रही थी, अंकल प्लीज़ ऐसे मत करो, थोड़ा ध्यान से करो, धीरे करो। पहले वाले में तो वो रोई नहीं थी एंड सेकेंड वाले में उसको पेन हुआ है, लेकिन फिर भी वो बहुत बहादुर थी, उसने बहुत हिम्मत रखी है। और आप देख सकते हैं उसका, लास्ट में मैं आपको उसकी वॉइस भी सुनाऊंगी। और सच में यार, बड़ा मुश्किल समय होता है एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, ये वाला कि हम ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को, अपने बच्चों को कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो हमें उनको करना पड़ता है। और ये उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसको पहनने का बहुत शौक है। जब भी मैं वीडियोज़ वगैरह में पहनती हूँ ना इयररिंग्स, तो वो भी बोलती है मम्मा मुझे पहनने हैं। तो कहीं ना कहीं यही कारण था कि वो बहुत एक्साइटेड थी शुरू, जब से हम घर जा रहे थे तब से वो बोलने लग रही थी, मम्मा मेरे तो कान छिदेंगे, मैं आपकी तरह पहनूंगी पहनूंगी। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो उसने बहुत हिम्मत रखी है। और उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स, तो उसके बाद कान छिदने के बाद भी वो कंटिन्यू बोल रही थी, देखो मम्मा मैं आपकी तरह लग रही हूँ ना। सो ये देखो आप लवी की इयरिंग देखो, ये मैंने डायरेक्ट इसको गोल्ड वाले पहना दिए थे, ऐसा बोला था अंकल ने कि पहना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये देखो, और अब लवी सबको बाय कर रही है। सो ये देखिए आप, लवी के कान अब छिद चुके हैं, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये इस टाइप की इयरिंग मैंने इसको डलवाए हैं, ये काफ़ी पसंद है, इस टाइप के डायमंड्स इनमें लगे हुए हैं। कान देखो कैसे लाल हो गए हैं। सो